राघव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लक्ष्मण, बीकानेर सीट पर लगातार हम देख रहे हैं सियासी घमासान मचा हुआ है। यशपाल गहलोत को रिप्लेस कर दिया गया, कन्हैयालाल झवर को टिकट दे दिया गया, ये क्या चल रहा है बीजेपी में? देखिए कांग्रेस में चल रहा है ये, और ये मजाक बन गया है एक तरह से टिकट वितरण कांग्रेस का। बड़ी खबर हमने बहुत 30 मिनट पहले बता दिया था कि केएल झवर को टिकट मिल रहा है। रामेश्वर डूडे ने जो बयान दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे यदि केएल झवर को टिकट नहीं मिला तो, लेकिन उसके बाद माले समुदाय के लोगों का आक्रोश जो है सड़कों पर है और उन्होंने आगजनी की है, पथराव किया है। और देखिए इसमें समुदाय का दोष नहीं है, दोष मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं का है। आप किसी के आगे सामने खाना रख दे और उसके बाद उस थाली को छीन ले तो देखिए गुस्सा लाजमी है और यही गुस्से की परिणति है। पहले बीडी कल्ला का टिकट काटा गया, बीडी कल्ला के समाज के लोगों ने आक्रोश जताया, प्रदर्शन किया, टायर फूके, उन्हें टिकट दे दिया। उसके बाद जो है केएल झवर का टिकट काट दिया, जो जिसे लेकर आए थे दिल्ली में बड़ा चक शामिल हुए, उस व्यक्ति को निर्दलीय से पार्टी में लाए और उसका टिकट काट दिया। और यशपाल गहलोत जो पश्चिम से लड़ना ही नहीं चाहते थे पहले, उन्हें पश्चिम का टिकट दिया और उसके बाद उनको पूर्व का टिकट दिया और अब उन्हें पूर्व के टिकट से भी काट दिया। तो ये देखिए इस बात को समझना होगा, इस आगजनी के इसके बड़े नेता है जिन्होंने बिल्कुल एक तरह से कही है फेलियर रहा उनका में टिकट वितरण बीकानेर में। और बीकानेर ऐसा शहर है शांति के लिए जाना जाता है, यहाँ के लोग बहुत धीरज रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनका गुस्सा भी शबाब पर है। और आप तस्वीरें दिखा लक्ष्मण, लेकिन एक बात बताइए, जब टिकट जारी की जाती है तो उससे पहले तमाम सर्वेस कराए जाते हैं, ये देखा जाता है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, वो केपेबल है या नहीं है, फिर इसी सीट पर ये चीजें क्यों हो रही है? यहाँ ढंग से क्या ये माना जाए कि रिव्यू ही नहीं हुआ, जल्दबाजी की गई? देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के आलाकमान और कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उसके बीच कहीं लगता है बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो। आप देखिए बीडी कल्ला के टिकट करती है, आप नियम बनाते हैं, फिर टिकट ऐसे नेता के टिकट काटते हैं जो बड़ा नेता है जिसका समाज में बहुत बड़ा कद है, सब जानते हैं कि बीडी कल्ला खूब सक्रिय रहे बीकानेर में, फिर उन्हें टिकट दे देते हैं, उसके बाद दूसरे टिकट भी बदल देते हैं आप। तो अभी मानिए कहीं ना कहीं पूरी गफलत रही है और इसका खामियाजा कांग्रेस को मुझे लगता है बीकानेर की दोनों सीटों पर उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन ये बताइए बीडी कल्ला को तो मना लिया गया टिकट देकर, यशपाल गहलोत को पार्टी कैसे मनाएगी, क्योंकि अब तो प्रचार के मूड में भी तो आना है पार्टी को। देखिए अब मुझे तो लगता नहीं है कोई तीसरी सूची आएगी, जैसे कांग्रेस है भैया कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से सूची बदली गई है, ऐसे तो कक्षा 8 का पेपर भी नहीं बदलता, जिस तरह से सूचियां बदली गई कांग्रेस में, नाम काटे गए, जोड़े गए। लेकिन ये बात बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि अब यशपाल गहलोत का क्या होगा, क्या करेंगे वो, उन्हें दो जगह से टिकट मिला। मुझे लगता है प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता बनेंगे वो जिनको दो जगह से नाम अनाउंस होता है और कहीं नहीं लड़वाया जाएगा, यानी कब काट दिया गया। तो समुदाय जो माली समुदाय का बड़ा वोट बैंक है, मैं आपको बताऊं, और इसका नुकसान बीडी कल्ला को भी हो सकता है जो बीकानेर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ 25-30 हजार वोट इस समुदाय से आते हैं। और दूसरा जो पूर्व से केएल झवर जो लड़ने आ रहे हैं, जो निर्दलीय थे शामिल हुए, उनको भी आक्रोश उठाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा वोट बैंक इनका है। अब देखिए यदि किसी के सामने खाना परोसा जाए और फिर उसे छीन लिया जाए, बिल्कुल, तो अंतिम सूची जारी करना अब कांग्रेस के लिए भी टेंशन लगातार बनता जा रहा है। विरोध की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीकानेर की तस्वीरें, जहां पर यशपाल गहलोत के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है और आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही है। चलिए रुक कर लेते हैं अपने अगले सहयोगी का।